प्रणाम आप सभी को। मैं संजीव अरुण कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल क्रिक स्पोर्ट्स में। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी मिस्टर उबैद कमाल के बारे में, उनका इंटरव्यू किया था हमने और उन्होंने अपनी जर्नी बताई थी कि कैसे बेहद कम उम्र में उन्होंने क्रिकेट शुरू की और उतनी कम उम्र में क्रिकेट उन्होंने ख़त्म भी की, यानी संन्यास ले लिया। मात्र 18 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था उन्होंने और 28 तक आते आते संन्यास भी ले लिया। तो ये हमने जाना था पिछली वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे जब उन्होंने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को आउट किया था। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने सचिन तेंदुलकर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मैच में एक जाल बुना था और सफल हुए, आते ही सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। जी हम बात करें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की, और उसके बदले में सचिन ने भी उछलकर उनके कान में कहा वेल बोल्ड। हम बात कर रहे हैं उबैद कमाल की, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी खेला उत्तर प्रदेश से, रणजी ट्रॉफी टीम का सेलेक्टर रहे, फिर अंडर 22 टीम के वो कोच भी रहे। ऐसी ढेर सारी उपलब्धियां हैं और एक समय ऐसा आया कि अगले दिन भारतीय टीम का नाम घोषित होना था और पूरे खेल जगत में चर्चा थी कि उबैद का सिलेक्शन हो चुका है और रातों रात इनका नाम कट गया। तो हम जानेंगे ये सब, ये वाकया कैसे बीता उनके साथ और उनके ऊपर क्या बीता कि उन्होंने इतनी कम उम्र में ही संन्यास ले लिया। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मैं आगे वीडियो में आता हूँ लेकर उनको आपके साथ। 90s में आपने खूब क्रिकेट खेली सर, 90s का एक उभरता हुआ सितारा जिसने बाद में पूरी दुनिया पे राज किया, सचिन तेंदुलकर सर, उनके साथ भी आपने क्रिकेट खेली? हाँ, खेलने का मौका मिला, बहुत बॉल डाला सर आपने। हाँ, बॉल डाला और आउट किया, जो प्लान करके मैंने उनको बॉल डाला उस प्लान में मैं सक्सेस हुआ। और मुझे मालूम था कि थोड़ी देर की ही बात है, अगर इसमें मैं प्लान में अपने सक्सेस हो गया तो प्लान भी बड़ा क्लियर और बड़ा गहरा प्लान होगा, जो जहाँ तक अगर सक्सेस होना तो वो क्लियर और गहरा प्लान में मैं सक्सेस रहा। कैसे आउट किया आपने उस चीज़ को? बस ये था कि एक्यूरेट बॉल्ड करना है और कुछ अलग से करना है बीच में जिसमें सक्सेस हो सकते हैं, तो वो एक्यूरेसी भी मेंटेन किया और एक बॉल बिल्कुल अलग कर दिया। जैसा कि मैं दो बॉलें उनको आउट स्विंग डाला विकेट के करीब से, और तीसरा बॉल मैं विकेट के दूर शो किया कि मैं आउट स्विंग इन स्विंग करने जा रहा हूँ अब, लेकिन किया मैंने आउट स्विंग ही, तो वो दूर से जाने की वजह से वो टाइमिंग मिस हुई और मुझे LB मिला। हाँ, दिल्ली ट्रॉफी मैच था वो जी। तो वो सबसे बड़ा विकेट, जाहिर सी बात है, क्योंकि क्रिकेट का भगवान अगर किसी को कहा गया तो वो सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी को कह दिया गया है, तो उन्हें आउट करके किसे खुशी नहीं होगी भाई। आज मैं बात कर रहा हूँ तो सर आप बात करें रोंगटे हमारे खड़े हो रहे, और सिर्फ वो एक अच्छे महान खिलाड़ी ही नहीं थे बल्कि बड़े कम बोलने वाले, और मतलब जो भी उनके लिए शब्द हम इस्तेमाल करें मेरे पास शब्द नहीं है। जब आपने सचिन तेंदुलकर को आउट किया तो सचिन ने कुछ आके कहा था आपसे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। इत्तेफाक से सचिन तेंदुलकर को मैंने एक मैच में और भी आउट किया था, वहाँ भी तीसरी बॉल पे ही आउट कर लिया था, और वहाँ भी कुछ इसी तरह की प्लानिंग थी और उसमें मुझे वो विकेट मिल गया था। चौथा मैच रणजी ट्रॉफी फाइनल मैच था जिसमें उन्होंने मतलब लंच के आसपास तक 140 समथिंग करके वो आउट होके गए थे और वो उन्होंने बॉलरों का भूत बना दिया था, पंजाब वर्सेस महाराष्ट्र, पंजाब वर्सेस बॉम्बे वो फाइनल मैच था वानखेड़े में, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो मतलब प्लान के तहत उन्होंने किया था, और कि हम यूपी के पंजाब के पास भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं और हमारे पास भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तो हम 3 दिन में मैच ख़त्म कर देंगे, हम विकेट ग्रीन दे रहे हैं। और जब जाके विकेट देखा तो वही गोल्डन ग्रास दिखी मुझे, तो मैंने कहा यार ये तो 1 घंटे ये कुछ थोड़ा सा बॉल निकलेगा और वो भी चूँकि स्टंप के ऊपर से निकलेगा तो उसमें स्टंप पे लगने के चांसेस तब होते हैं जब बॉल को हम गोल्डन के स्पॉट पे खिलाएं जी, जरा सा छोटा खिलाएंगे विकेट के ऊपर से निकल जाएगा, तो यही इसी में वो माहिर थे। फास्ट बॉल ज़्यादातर वानखेड़े में हल्का पीछे खिलाते थे तो बैट्समैन को छोड़ना भी आसान रहता था, ऊपर थोड़ी देर सर्वाइव करने के लिए आगे खिलने, थोड़ी देर के बाद 1 घंटे बाद सारा गेम बैट्समैनों का हो जाता था। मैंने हालांकि इस चीज़ को लेकर गाइड किया अपनी टीम को, लेकिन वो चीज़ नहीं समझ में आई। हम टॉस जीतने के बाद भी हमने उनको बैटिंग भी दे दिया पहले, और वो हमेशा इसी बात के लिए तैयार रहते हैं कि हम कुछ भी हो बैटिंग पहले करेंगे ताकि चौथी इनिंग मुश्किल हो दूसरी टीम को जी। तो हमने इस तरह से बातें की, लेकिन वो पंजाब के कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू साहब थे, उन्होंने नहीं सुना और टॉस जीत के भी उन्होंने बैटिंग दे दी उनको बॉम्बे को, फिर बॉम्बे में सचिन ने भूसा भर दिया। लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ कि मैं ही एक ऐसा बॉलर था जिसको रिस्पेक्टफुली थोड़ा खेला था। परेशान किया आपने?
परेशान तो नहीं किया, सच्चाई तो ये है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बांधने में कामयाब तो हुआ था। तो सर उसके बांधने की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि मैं उनको बांध ले रहा था स्ट्रोक खेलने से, जी। वो मुझे बड़ा अलर्ट होकर खेल रहे थे, कोई मौका नहीं। हाँ, और फिर उन्होंने भाई वो तो सचिन ने क्लास बैटिंग की और मैच ख़त्म हुआ, हम वो मैच हार गए, मिलते हुए हाथ मिलाया कान तक आके थैंक्स, तो मैंने कहा थैंक्स किस बात का, तो वो बात मेरे पूरी तरह समझ में नहीं आई, कयास हम लगाते हैं आज भी जी, समझ में नहीं आई। मैं कोई बात नहीं, उस वक्त मैं इंडिया के लिए बस ये था कि आजकल में मेरा नाम आ जाएगा तो जब ड्रेसिंग रूम में बैठूंगा तो बात करूंगा, लेकिन वो टाइम नहीं आया, तो कोई बात नहीं। अब ख्वाब तो ये था ना कि हमारे स्टेट का नाम कितना ऊपर जाए, और वही ख्वाब लेकर के आज भी, पहले खेला करते थे अब खिलाया करते हैं। अपने परिवार का, अलाहाबाद का, उत्तर प्रदेश का इतना नाम ऊंचा किया है कि सब लोग, जो भी लोग खेल से थोड़ा भी वाकिफ़ हैं वो ज़रूर जानते हैं कि कौन है उबैद कमाल। और मैं बता दूं दर्शकों को, हालांकि सब लोग, बहुत लोग विकिपीडिया और गूगल पे देखते रहते हैं आपको, एक ही पारी में 9 बार 5 विकेट लिया आपने। सर उनमें कोई ऐसा स्पेल जो बहुत याद हो आपको, बहुत परेशान होना पड़े लेकिन फिर भी आपने 5 विकेट झटके? हाँ, ऐसा तो देखा जाए तो अगेंस्ट राजस्थान ही एक मैच में मैंने 5 विकेट लिया था, बल्कि 6 विकेट लिया था उस मैच में, और मैच एक तरीके से हमारे हाथ से निकल चुका था। तकरीबन 70 रन चाहिए थे राजस्थान को जीतने के लिए सेकंड इनिंग में, और उनके पास 7 विकेटें थी जी। और लंच के बाद के पूरा गेम बचा हुआ था। उससे पहले कैप्टन ने मुझे सिर्फ 8 ओवर बॉलिंग दी थी, बस 8 ओवर में, और सिर्फ मैंने 8 ओवर में 8 ही रन दिए थे जी। बस नहीं, 12 रन दिए थे बस। स्पेल तो अच्छा चल रहा था सर। हाँ, ऐसे ही कुछ था उसमें, उसके बाद नहीं दिया था। मैच जब लंच के बाद कैप्टन ने मुझे बॉल पकड़ाया तो लगा कि यार मैच तो पूरा ख़त्म हो चुका है देखा जाए तो, अब कर क्या सकते हैं। तो मैंने कहा यार अपना जो मैक्सिमम है वो दो इस टाइम, तो मैक्सिमम में अच्छा रनअप, अच्छा एक्शन, अच्छा डिलीवरी और बैट्समैन की वीकनेस पकड़ के फील्ड लो। वो किया तो फिर 4 ओवर में ही 6 विकेट मिल गई मुझे, मैच भी निकाल लिया आप लोगों ने। हाँ, वो मैच एकदम पासा ही पलट गया। तो उसमें जो मुझे स्विंग मिला ना, जो निप मिला, वो लाजवाब। और उसमें एक कैच मनोज मुदगल ने लिया था, विकेट कीपर उनका स्टार बैट्समैन था, उसने फ्लिक मारा, एज लगा और मुदगल ने डाइव करके एक कैच उसमें लेग साइड पे, वो ऐसा कैच मैंने दोबारा नहीं सर आप मतलब आपकी बॉल पे लेग साइड पकड़ना थोड़ा टफ इसलिए कि मुझे याद है आप कॉर्नर लेके आते थे जो 90s के बॉलर मोस्टली। हाँ जी, हाँ जी, इमरान इमरान खान को थोड़े कॉपी करते थे ना, तो उसमें वो आके फिर मारते थे, वो जाता था बॉल और निकलता था बाहर की तरफ, वो कैच लाजवाब कैच। तो वो टोटल मेरा फिर बॉलिंग एनालिसिस था, 12 ओवर 8 मेडन 20 रन 6 विकेट। और उससे पहले का एक वाक्या है ये कि शाम में सारा दिन ग्राउंड में थे तो शाम में जल्दी खाना खा के सोना चाह रहे थे, तो मैं, ज्ञानेंद्र और रिजवान तीनों निकले खाना एक साथ खाने के लिए रेस्टोरेंट में, तो भूख बड़ी कस के लगी थी, तो रिजवान ने कहा कि क्या उबैद स्नैक्स वगैरह खाओगे कुछ, जिस ज्ञानेंद्र स्नैक्स खाओ खाना है, तो सब ने मना कर दिया कि नहीं यार खाना खाएंगे भूख लगी है यार जी। अब वो इत्तफाक से जब उसने ऑर्डर अपने लिए किया तो सामने आया, तो मैंने हाथ बढ़ाया, मैंने लाओ जा टेस्ट कर लें, तो उसने खींच लिया मजाक में प्लेट अपनी तरफ, तो मुझे बड़ा बुरा लगा क्योंकि हम बड़े फास्ट बॉलर थे, तो एकदम से वो हिल गया मैं कि यार इसने प्लेट अपनी तरफ खींच लिया, मुझे खाने नहीं दिया। फिर रिजवान मेरे से कहता रहा यार खा लो भाई, खाओ खाओ खाओ, नहीं मैंने कहा तूने प्लेट खींचा क्यों, मैं नहीं खाऊंगा। तो अच्छा, हम दोनों रूम पार्टनर भी थे जी। तो रिजवान ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे फिर हम जा रहे हैं, तो मैंने जा कोई बात नहीं, उठ के चला गया वो। अच्छा, सामने ही होटल था, वो चला गया। तो मैंने ज्ञानेंद्र को बोला, मैंने ज्ञानेंद्र यार वो यार वो भी भूखा है यार, उसको यार बुला के ला यार, देखो मैं नहीं गया बुलाने उसको, मैंने जा चलती रहती है। तो ज्ञानेंद्र गया भी तो वो नहीं आया, तो मैं भी उठ गया, मैंने कहा मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। अब ज्ञानेंद्र ने अपना अकेले खाना खाया होगा, अब हम दोनों रूम पार्टनर, वो उसने चादर तान लिया था, मैं भी लेट गया अपने बेड पर।
अब वो 1-1.5 बजे तक तो टीवी आता था, वो देखता रहा मैं, क्योंकि भूख की वजह से नींद नहीं आ रही, ना हम उससे बात कर रहे हैं ना वो मेरे से बात कर रहा है, अब वो नींद नहीं आ रही है। बहरहाल 1 बजे के बाद वो झिलमिल सितारे शुरू हो गया, उसमें सारे प्रोग्राम तो पहले 12-1 बजे के बाद आने बंद हो जाते। खैर कब मुझे नींद आई मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह जब उठे तो मैंने कहा यार रात में मेरी वजह से, मेन तो देखा जाए तो मैंने ही ज़्यादा नाराज़गी की वजह से वो चला गया, उसने तो मजाक किया था सिर्फ, प्लेट अपनी तरफ खींच ली थी मजाक में। तो ये सोच करके फिर हमने जो है, मैंने कहा अब ये उठेगा तो हो सकता है मेरे ऊपर बड़ा नाराज़ हो, तो मैंने नाश्ते का ऑर्डर किया। तो मैंने उठाया, मैं रिजवान उठ यार नाश्ता कर लिया, तो रिजवान चुपचाप उठ के उसने नाश्ता कर लिया, भूख तो लगी थी सर उनको भी। ना पूछो भाई, तो वो रात की खुमारी और भूखे सोना और फिर अगले दिन मॉर्निंग में फिर बॉल का ना मिलना, बॉल करने के लिए शशिकांत खांडेकर साहब कैप्टन थे, न जाने क्यों मुझे बॉल नहीं दे रहे थे, मतलब पूरा मैच हो गया था और सिर्फ मैं 8 ओवर ऐसा कुछ डाला था बस। फिर वो लंच के बाद जब मैच एक तरीके से वो छोड़ चुके थे, चलो कोटा पूरा कर देते, 70 रन बाकी है, सारा दिन दोपहर के बाद का सारा दिन पड़ा हुआ है यार, और 7 विकेटें हैं, तो तब उन्होंने मुझे बॉल दिया। तो वो जो नशा था ना नींद का और गुस्सा वो सब उसमें, फिर वो जो रिदम जो परफेक्शन आया है ना एक्शन में, वो बैट्समैन को उड़ा के इतना मजा आ रहा है ना बात करते हुए आपसे। आमतौर पर हम क्रिकेट समझ एसजी टेस्ट बॉल बहुत कम लोग समझ पाए हैं एक्चुअली में, वो दौर ऐसा था, वो दौर ऐसा था एसजी टेस्ट आते ही फास्ट बॉल के तोते उड़ जाते थे, ज्यादा स्विंग होती थी, स्विंग ज़्यादा तो होती थी लेकिन आदत पड़ी हुई थी विंस रेक्स सम्राट की बॉल से बॉल करने की, जिसमें शाइन बहुत होती थी और वो तेज़ निकलता था हार्ड बॉल एकदम से। एसजी टेस्ट इंग्लिश लेदर होता था, उसको बनाना पड़ता था, वो जो गंभीर प्रवृत्ति के लोग थे वो तो फटाक से जल्दी समझ जाते थे, जो आज़ाद मिजाज होते थे उनको समझ में नहीं आता था बॉल, शाइन भी थोड़ी कम होती है, उसे शाइन करना पड़ता था, बड़ा उसको स्टडी करा। आज भी मैं बहुत सारे फास्ट बॉलर से बात करता हूँ तो देखता हूँ उनको बॉल के बारे में उतनी नॉलेज ही नहीं होती। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, हमने स्पेशली बहुत रिसर्च किया, तभी तो रिवर्स स्विंग जब शुरुआत हुई इंडिया में तो करने का सर हासिल है। दर्शकों को ये बता दूँ कि आपने लगभग पूरी दुनिया की क्रिकेट टीमों के साथ, जो जो लोग इंडिया आए, इंग्लैंड हो गया या हम वेस्ट इंडीज़ की बात कर लें, इन लोगों की टीम आई उस दौर में, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, जब खतरनाक गेंदबाज हुआ करते थे, आपने उनको भी सामना किया एज ए बैट्समैन, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा वेस्ट इंडीज़ के सामने? थोड़ा पैदाइशी एथलीट होते हैं तो दम से बॉल डालते हैं, उनकी बॉल तो लगता है वो लंबे चौड़े नहीं, उस लेवल पे जाने के बाद डर खत्म हो चुका होता है जी सर। डर तो वो नीचे खेलने में, ऊपर डर नाम की कोई चीज़ ऐसी नहीं रहती है, अगर कोई डरता है तो वो बड़ा जल्दी एक्सपोज हो जाता है जी। तो इंग्लैंड को भी खेला आपने, वेस्ट इंडीज़ के बॉलरों को भी खेला और उनके बल्लेबाजों को भी आपने खेला है। एक बार आपका सर नाम पेपर में भी था कि शायद शायद अगले टूर पे टीम जाने वाली शायद न्यूजीलैंड या इंग्लैंड, और आपका लगभग सिलेक्शन पक्का था और उसी रात पता चलता है कि शायद अब टीम में नहीं है। ये मुझे एग्जैक्ट घटना नहीं पता है लेकिन वो कहीं की बात हो रही थी और न्यूज़पेपर में था कि उबैद तो टीम में है, तो कुछ अगर बताएं उस बारे में। शायद आप उस टाइम की बात कर रहे हैं जब सचिन तेंदुलकर कैप्टन थे और टीम शायद न्यूजीलैंड ही जानी थी मेरे ख्याल से, और तब ज़रूरत फास्ट बॉलर की थी और भेज दिया गया था नोवेल डेविड ऑफ स्पिनर को, जिसमें बड़ा आर्टिकल भी आया था कि सचिन जैसे महान क्रिकेटर कैप्टन ने कह दिया था हुज नोवेल डेविड, वो सिलेक्शन हो गया उनका, वो हेडिंग थी हुज नोवेल डेविड, यानी एक फास्ट बॉलर श्रीनाथ अनफिट हुए थे तो उनकी जगह किसी को जाना था, फास्ट बॉलर को जाना चाहिए था तो ऑफिस पर भेज दिया गया था। ये एक बड़ा, खैर हम उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहते, इसलिए कि मेरा मैं चाहता हूँ बचा जीवन जो है वो जितना सिंपल तरीके से जी लिया जाए उतना अच्छा है। जो भी लोग देख रहे हो आप सर, अभी रिसेंटली मैंने बताया कि 25 की टीम आपकी क्वार्टर फाइनल तक गई यूपी की, और अभी आप एज ए सेलेक्टर एज ए ऑब्जर्वर UPCA के लिए बच्चों की तराशते हैं बच्चों को। हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जो मैचेस होते हैं जी, जोन लेवल के सिलेक्शन मैचेस जो होते हैं उसमें एक पूरा ग्रुप UPCA जो है उसमें भेजता है मैच ऑब्जर्वर बना के सेलेक्टर बना के, तो उसमें भी UPCA हमें अक्सर भेजता है। सर बच्चों में क्या देखते हैं वो
यूएसपी क्या होती है या स्पार्क क्या होता है जो आप देखते हो और आपको लगता नहीं यार ये खेलेगा? देखिए, फिट बच्चा तो अलग दिखाई दे ही रहा होता है, उसके चाल ढाल ही बता देते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, फिर खेलने की शैली देखते हैं। जी तो ज़्यादातर बच्चे तो परफॉर्मेंस करके आते हैं तो क्लियर रहता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं निकल के आती लेकिन टैलेंट बहुत सारा दिखता है तो हम उन्हें मौका देते हैं। इसी तरह से एक बड़ा क्लियर यूपीसीए की तरफ से हम लोगों जी मतलब आदेश रहता है, कह सकते हैं गाइडलाइन रहती है कि किसी बच्चे के साथ अन्याय ना होने पावे। लेकिन सर अगर हम आपकी बात करें तो कहीं ना कहीं हम सभी को ये लगता है कि आपके साथ तो अन्याय हुआ था जरूर, अगर थोड़ा सा प्रकाश डाले ताकि खिलाड़ी को पता चले कि एग्जैक्टली क्या दौर था उस टाइम पे, क्या पार्शियलिटी होती थी। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसी के बारे में बात करें, लेकिन क्या थी मैं अलग, बिल्कुल अलग तरह के सोच का खिलाड़ी रहा हूँ और आज भी मेरी सोच बिल्कुल अलग रहती है। इसे हम अन्याय का नाम आज दे रहे हैं, हम उस वक्त भी अन्याय का नाम नहीं देते थे। अन्याय नहीं, खिलाड़ी हमेशा जद्दोजहद से पैदा होता है, कड़ी मेहनत से पैदा होता है। जितना टफ हमारी हमारा जितना टफ मतलब तैयारी होगी, जितना टफ हम कंपटीशन में रहेंगे, उतना ही हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। निश्चित रूप से। तो सिलेक्शन ना होना ये आपके अंदर अगर जोश पैदा कर दे रहा है और ज़्यादा अच्छा बना दे रहा है तब तो आप सही डायरेक्शन में हैं जी। अगर अदरवाइज तो आप सिर्फ अगर उसी को मान मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे भाई नहीं हुआ, आपने क्या फिर अगले साल उससे ज़्यादा अच्छे होके आए आप? ये बहुत बड़ी सीख है नए खिलाड़ियों के लिए कि आप उसी में कोशिश करने लगे कि भाई अभी मौका, सब कुछ अभी थोड़ी है। मैं आगरा क्रिकेट हॉस्टल में एज ए विकेट कीपर सेलेक्ट हुआ था जी। मुझे नीरू कपूर साहब ने सेलेक्ट किया था, मैं उनकी दिल से आज भी इज्जत करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचने वाला और मेरे अंदर पेशेंस भी था, मैं फास्ट बॉलर होकर के भी मेरे अंदर पेशेंस था। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, आज के लोगों में पेशेंस नहीं है, खिलाड़ियों में पेशेंस नहीं है, बच्चों में पेशेंस नहीं है। तो जब मैंने एक महीने के अंदर फास्ट बॉलिंग चुन लिया, कीपिंग छोड़ दिया, तो नीरू कपूर साहब मेरे से नाराज़ हो गए एज़ ए विकेट कीपर सेलेक्ट, क्योंकि उन्होंने ही हॉस्टल में सेलेक्ट किया था। वही हॉस्टल का भी सिलेक्शन करते थे, वही यूपी के सिलेक्शन में भी होते थे। तो 5 साल लगातार उन्होंने मुझे सेलेक्ट इसलिए नहीं किया कि उन्होंने ही मुझे एज ए कीपर सेलेक्ट किया था तो मैंने बॉलिंग क्यों शुरू कर दी। हाँ ये बात कहूँगा, उन्होंने ये नहीं देखा कि यार ये बॉलिंग में क्या कर रहा है, अगर मैं डिज़र्विंग हूँ तो मुझे मौका मिलना चाहिए। तो मैं आज ये बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैं लोगों की बातें सुनता था, 2-4 दिन मैं गम में भी रहता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा मेहनत करना शुरू, यानी मैं हर साल मेहनत बढ़ा देता था। सर अब तो और वो तो मेहनत बढ़ाने का नतीजा ये हुआ कि एकदम से जब मैं दिल्ली गया तो मेरे लिए प्लेटफॉर्म तैयार दिखने लगे। कपिल पाजी ने मुझे बहुत प्यार दिया, कई सारे ऐसे टिप्स दिए जो आज भी मेरे काम आता है, मैं अब दूसरों को वो गाइड करता हूँ, बताता हूँ। कुछ एक्सरसाइजें उन्होंने बताई, कुछ ग्रिप मुझे बताई, ठीक है। तो जैसे उन्होंने कह दिया कि इसको हरियाणा से खेलना है, ठीक है, लोगों ने मुझसे बोला कि तेरे को कपिल पाजी ने बोल दिया, लेकिन बस उस वक्त वो था, जुनून था, जोश था खेलने का। फिर मद्दीबाजी ने मेरे सर पे हाथ रख दिया, मुझे मोहन मिकिंस जैसी जॉब, मोहन मिकिंस में जॉब दे दिया, जबकि स्कॉट्स में मैं रहा था, जब मैं कपिल पाजी के उसमें था तो स्कॉट्स में था, स्कॉट्स छोड़ के मैं मोहन मिकिंस आ गया। मोहन मिकिंस में कपिल पाजी मदन भाई साहब ने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे टिप्स देते रहे, खड़े होकर स्लिप में वो फील्डिंग करते थे मेरी बॉल पे मैच में और वहाँ से गाइड करते थे, तो उनका इशारा मैं समझता था उस साल। तो वो चीज़ जो डेवलप होती चली गई, तो उसकी वजह से रणजी ट्रॉफी मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। फिर मैंने अपने यूपी को अहमियत दिया, मैं ट्रायल पे आया और नीरू कपूर साहब थे कि नहीं मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं सेलेक्ट हुआ यूपी टीम में। सर वर्ल्ड क्लास क्रिकेटरों के साथ आपने खेला, जिन्होंने वर्ल्ड कप पहली बार इंडिया को जिता के लाए वो 1983 में, उसके बाद उन लोगों के साथ आपने खेला, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट सर। 83 में वर्ल्ड कप जिता के लाए थे जी, उसके बाद आप लोग ने खेला साथ में जी।